अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बायोलॉजी मेड इजी चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने मेल न्यूट्रिशंस की तकरीबन तीनों टाइप्स कर ली थी, अब हम फेमाइंस की करेंगे। फेमाइन क्या होता है ये आप देखते हैं। फेमाइन लव सुना सुना होता है, लैक ऑफ एन ऑफ फीड और टू फीड अ पीपल लिविंग इन एरिया। फेमाइन मतलब कैद पड़ जाना, फूड की इतनी कमी हो जाना कि आल पीपल जो एक एरिया में रह रहे हैं उन्हें फूड अवेलेबल ना होना। टेरिबल फेमाइन जो 20वीं सेंचुरी में आया था, इथोपियन फेमाइन आया था जो कि 2 साल था, और एक नॉर्थ कोरिया में 1919 में आया था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये होता क्या है कि फूड तो अवेलेबल है, बन रहा है, फसलें उग रही हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नहीं हो पाता, कहीं पर ज़्यादा चला जाता है, कहीं पर बिल्कुल कम चल जाता है, तो एक कार पड़ जाता है। इस वजह डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। एक तो ये कि फूड डिस्ट्रीब्यूट इक्वल, ड्रॉट मतलब कोई खुश्क हो गई, फ्लडिंग हो गई, या फिर इनकी पॉपुलेशन कोई पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एक जगह पर, फ्लडिंग भी हो जाए तो फूड अवेलेबल नहीं होता, तो उधर कैद पड़ जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में द अचीवमेंट इन द साइंस हैव एनेबल्ड ह्यूमन बीइंग टू प्रोड्यूस बेटर फूड इन द टाइम ऑफ क्वालिटी। लेकिन अगर साइंस में देखा जाए तो उन्होंने फूड के लिए बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों साइंस से हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देखा जाए, एना फूड कैन बी सप्लाई टू एवरी वन ऑफ द अर्थ। आजकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक नॉर्मल से ज़्यादा मतलब एवरी पर्सन को खुराक मिल सकती है अर्थ पे, बट ड्यू टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ड्यू टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मतलब जखीरांदोजी कर लेना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक ना होना, फूड इज़ नॉट एक डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट रीजन ऑफ फूड जो डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ में, वरना मुल्क एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट वही करते हैं जिनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजल्ट में सरप्लस फूड इन द कंट्री, हमेशा अमेरिका यूके कनाडा में सरप्लस फूड है, क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अच्छी है, पॉलिटिकल कंडीशन उनकी है। सेम टाइम पीपल हैव नथिंग टू ईट इन कंट्री, इथियोपिया सोमालिया में कुछ भी नहीं है खाने को, कुछ के पास ज़्यादा है क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। मेन इसकी वजह ये भी हो सकती है, वार्स की वजह से भी कहा जा सकता है, या रॉन्ग इकॉनमिक पॉलिसी से भी होता है। इसके बाद आ जाता है ड्रॉट। ड्रॉट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ड्रॉट एक पानी की कमी हो जाती है, पीरियड ऑफ टाइम वेद इज़ नॉट एन वाटर सपोर्ट द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड। अगर पानी अवेलेबल ना हो ताकि एग्रीकल्चर को भी और ह्यूमन नीड को पूरा ना करें, बिलो नॉर्मल फॉल, ये मेन एक ही वजह होती है, नॉर्मल रेनफॉल से बिलो हो जाए, मतलब एक नॉर्मल रेनफॉल होनी चाहिए इतनी लेवल की, लेकिन उससे कम हो जाए तो ड्रॉट हो जाता है। डिक्रीज और ह्यूमन स्टॉप और क्रॉप जील एंड रिजल्ट इन फेमाइन, और फेमाइन इस वजह से भी काज हो जाता है। बस फ्लडिंग आपको पता है, अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल रेनफॉल हो जाए तो ड्यू टू वीक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर पानी आपका डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, ज़्यादा बारिश आपके पास डैम नहीं है, तो रिवर्स एंड कनाल ओवरफ्लो देयर बैंक एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर देगी, और बिकम पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लड। ये पॉसिबल इम्पॉसिबल होता है कि फ्लड हो चुका है तो उसके बाद ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली, का टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से जब एक टाइम लगता है और एक गैप आ जाता है तो शॉर्ट टर्म फेमाइन भी काज हो जाता है। एक चीज़ें पॉपुलेशन तो एक वैसे ही मेन काज है, एक तरफ तो फूड प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन ह्यूमन बीइंग भी ज़्यादा हो रहे हैं, अंडर नरिश्ड हैं, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन रीजन ऑफ पाकिस्तान, लार्ज पॉपुलेशन ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो मैक्सिमम फूड इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादातर फूड ले जाएँ, लेकिन इसी वजह से ये हो रहा है कि ड्राई और अनफर्टाइल लैंड बढ़ रही है, और सोर्सेज जो से रिसोर्सेज जो से ख़त्म होते जा रहे हैं, कोल वगैरह गैस वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, उस वजह से ये ख़त्म होने लग गए हैं, इस वजह से क्रॉप्स नो लंगर बिग ड्रॉन, इस वजह से क्रॉप ज़्यादा नहीं बन जाए, फिर माइज रिजल्ट है। नेक्स्ट है डाइजेशन,